तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिटी। तो दोस्तों आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं बाप और बेटे के बारे में। वैसे हम बाप के बारे में बात करने वाले हैं, मींस ओप्पो। दोस्तों ओप्पो और रियलमी ना इंडियन मार्केट में धमाका मचा दिया है, क्योंकि रियलमी का भी रियलमी एक्स हाल ही में लॉन्च होने वाला है एंड और भी उसके मोबाइल अपकमिंग मोबाइल्स आने वाले हैं, जो कि 64 एम्पियर का एक कैमरा आने वाला है जो कि मोबाइल में इनबिल्ड होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन, जो कि एक के सीरीज का स्मार्टफोन है, वो अपने इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है ओप्पो K3। तो दोस्तों चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने मई महीने में चीन में ओप्पो K3 को लॉन्च किया था, जिसको वो अब इंडिया में 19 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। और दोस्तों इस मोबाइल का एक टीजर अमेजोन पे जारी किया गया है, और हाँ इसकी सेल अमेजोन पे स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल इतना खास होने वाला है कि ये मोबाइल सब ओप्पो मोबाइल के सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और हाँ इस मोबाइल के सबसे खास फीचर्स होंगे इसका पावरफुल सेल्फी कैमरा एंड इन फिंगरप्रिंट सेंसर जो डिस्प्ले में इनबिल्ड होगा, और हाँ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कार्डलेस स्लॉट इसमें नहीं दिया गया है, इसमें आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों, एक 128 GB का, एक आता है 256 GB का। दोस्तों बिना किसी देर किए चलो हम आगे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मोबाइल और गैजेट रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो दोस्तों इसकी अनुमानित कीमत हो सकती है, मैं ये कीमत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो 6 GB वाला और 64 GB वाला स्टोरेज वाला मोबाइल है उसकी कीमत आई थिंक 19,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। और हाँ जो कि 6 GB रैम वाला और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है उसकी अनुमानित कीमत 23,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों जो 8 GB वाला और 256 GB वाला मोबाइल है उसकी कीमत आई थिंक 25,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, तब ये मोबाइल इंडिया में टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में ना 20,000 रुपए से जो कम बजट के मोबाइल होते हैं वो कुछ ज्यादा ही चलते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। और हाँ ये फोन डुअल नैनो सिम को सपोर्ट करता है और इसमें एंड्रॉइड 9.0 का सपोर्ट दिया गया है, एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट दिया गया है। और हाँ सबसे खास बात बताऊं ना मैं इस मोबाइल के बारे में, तो इसमें आपको सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ओप्पो K3 को स्नैपड्रैगन 710 से प्रोसेस किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से ना काफी बेटर प्रोसेसर है इस रेंज में आपको मिल रहा है। और दोस्तों कैमरे की बात की जाए तो फोन के रियर साइड में आपको 16 MP एंड +2 MP का दो कैमरे देखने को मिलेंगे, और वहीं फ्रंट में बात की जाए तो इसमें आपको 16 MP का सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो बैटरी है ना वो मुझे डिसपॉइंट कर रही है, क्योंकि इसमें बैटरी 3750 mAh की है। आज के जमाने में दोस्तों इसने कैम बैटरी कौन देता है, सैमसंग का देखो, सैमसंग M10 M30 5000 mAh की बैटरी है और उसकी कीमत भी आई थिंक 15,000 रुपए के नीचे ही है, बल्कि 10,000 रुपए के आसपास भी है, बट इसकी कीमत 20,000 रुपए से ऊपर जाने वाली है वेरिएंट के हिसाब से। लेकिन इसने बैटरी दी है 3750 mAh की, ये बात मुझे ना कुछ ज्यादा हजम नहीं हुई। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों कि ये मोबाइल जब आएगा मार्केट में तो ये मोबाइल धमाका मचा पाता है कि नहीं। लेकिन एक बात और दोस्तों, ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग बुक को सपोर्ट करता है, जो Realme 3 Pro में था। अब दोनों ओप्पो Realme भाई भाई बाप बेटा जो भी कह लो, तो टेक्नोलॉजी इसकी टेक्नोलॉजी उसकी टेक्नोलॉजी सेम ही होने वाली है। तो दोस्तों इस मोबाइल से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और हाँ ऐसे ही मोबाइल और गैजेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।